मोहम्मद अशरफ अली जी HPV न्यूज के साथ में। अभी मेरे साथ में है अशफाक खान TPCC तेलंगाना वाइस चेयरमैन। हम अभी बात करेंगे मौजूदा हैदराबाद की हालात और तेलंगाना की हालात किस मुकाम पे अभी चल रही है यहाँ पे। हम बात करेंगे अशफाक खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारे GHPV न्यूज के चैनल से जो आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के जो मौजूदा हालात हैं उस पर दो तीन चीज़ें बहुत ही जो सो वो चल रही थी कि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान हमारी जो हुकूमत तेलंगाना और उसका होम डिपार्टमेंट जिस तरीके से पब्लिक के ऊपर जो जुलम जाते थे उनके वीडियोस हमको बहुत सारे इसी जो सो यूट्यूब चैनल्स के जरिए सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिले, उस पर ही एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया आज से 3 दिन पहले हुआ कि हमारे शहर की एक मोतबर शख्सियत मौलाना जाफर पाशा साहब को जिस तरीके से पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को रोककर उनको गाड़ी में से उतार दिया गया, जबकि वो कह रहे थे कि भाई मैं प्रोग्राम से आ रहा हूं और जो सो प्रोग्राम अटेंड करके जा रहा हूं, अभी 2-3 मिनट बाकी हैं और मेरे पास पास भी है, लेकिन उसके बावजूद एक जो तेलंगाना गवर्नमेंट जो KCR का जो चेहरा है जो कम्युनल चेहरा है वो चेहरा जो सो कहीं ना कहीं जो सो बताने की कोशिश की गई। और इतने बड़े उलमा हैं जिन्होंने ना सिर्फ जो सो तेलंगाना में हमारे KCR की तायद की थी एक टाइम पर सारे जो सो उलमाओं ने, बल्कि ऑल इंडिया मस्जिद से इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को भी गुज़िश्ता जो बल्दिया इंतखाबात थे उसमें तायद किए थे सभी मौलानाओं ने, उसके बावजूद भी आज कई जो सो हमारे जो लोग हैं हमारे जो मस्जिद से इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जो कायदीन हैं इतना बड़ा जो मामला पेश आया उसके ऊपर आज खामोशी अख्तियार करे हुए हैं। जिस तरीके से KCR ने जो हमारे नेकलेस रोड का नाम बदलकर TV नरसिम्हा राव मार्ग रखा उस पर जो सो मस्जिद से इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जो खामोशी है कहीं ना कहीं जो सो इस बात का जो सो वो देती है कि हमारी जो मस्जिद के कायदीन हैं वो खामोश हैं, इसकी वजह क्या है वो बेहतर जानते हैं। और इसी तरीके से जो आम आवाम पर जिस तरीके से आज चालानों पे चालाना करते हुए जो सो जो आज लोगों को रोज़गार की परेशानी है, लोगों के ऊपर ऐसे कई मसाइल हैं, नौकरियाँ चली गई हैं, माशी हालात से बौरान है, उसके बावजूद हुकूमत जो सो बार बार जो सो चालाना करके पब्लिक को परेशान करने के साथ साथ आज ये वक्त आ गया है कि हमारे जो मौलाना हैं मौलाना को भी जो सो गाड़ी जो सो उनकी रोक को उतार देते हैं, उस पर से पलट के हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो उनसे सवाल करते हैं कहाँ के मौलाना, बड़े अफसोस की बात है महमूद अली साहब यही जो उलमा इकराम है यही उलमा इकरामों की बदौलत जो सो आपकी हुकूमत पिछले 7 साल से ज्यादा गुज़िश्ता टाइम पर भी आप लोग 12% रिजर्वेशन का वायदा कर आप लोग जो सो वक्फ बोर्ड को जो सो जुडिशियल पावर्स देंगे बोलकर इस किस्म के जो सो बातें कर तमाम जो सो उलमा इकराम की ताईद हासिल कर हुकूमत में आए और आज उन्हीं उलमा इकराम के ऊपर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं बड़े ही अफसोस की बात है। मैं हमारे होम मिनिस्टर से डिमांड करूंगा कि वो अपने अल्फाज वापस ले जो उन्होंने कहा कि कहाँ के मौलाना किधर के मौलाना जो कहे कहाँ डिग्री है क्या उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह दीन की आपसे ज्यादा नॉलेज है आपसे ज्यादा समझ है। और बस मैं यही कहूंगा कि बहुत अफसोसनाक वाकया है, होम मिनिस्टर अपने बयान को वापस ले और उनसे माफी चाहे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो बदला गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं अशफाक खान? तेलंगाना कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है जो निजाम हुकूमत के दौरान जो काम किए गए थे उन कामों को किस तरीके से खत्म कर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हमारे शहरों के नाम वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो मुस्लिम जो कल्चर है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से आज तेलंगाना में भी चाहे वो PV नरसिम्हा राव मार्ग हो चाहे वो PV नरसिम्हा राव का पुतला लगाना हो चाहे वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो बदलना हो या फिर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम उनके PV नरसिम्हा राव के नाम से रखना हो, ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि ये हमारे जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर वो कहीं ना कहीं RSS की आइडियोलॉजी देखा जा रहा है। हैदराबाद में निकलेस रोड का नाम बदलने के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है यहाँ पे। हम जानेंगे अशफाक साहब से कि KCR साहब आगे चल के खाली निकलेस रोड का भी बदल देंगे या हैदराबाद का भी नाम बदल देंगे यहाँ पर? वक्त में वो अपनी हुकूमत जिस तरीके से BJP तेलंगाना में एक जो सो फिरका पर जहन लेकर बढ़ते हुए नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनका ये रुझान बन रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि तेलंगाना में BJP मजबूत हो और उन्हें कहीं ना कहीं BJP के साथ जाने के वास्ते हैं। और अगर मौका आया अगर वो BJP के साथ जाते हैं तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर भी रखें। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे अशफाक खान साहब से, मैं मोहम्मद अशरफ अली JHPV न्यूज के साथ।